जोजो टीवी। बकरी और हाथी। एक बकरी थी, वो दिन भर गलियों में घूमा करती थी और जो कोई उसे कुछ खाने को देता था वो खुश होकर खा लेती। एक दिन गांव में हाथी आ गया। सारे गांव वाले उसे देखकर घरों के अंदर भागने लगे। बस हाथी को बकरी मिली। हाथी बकरी से कहता है, तुम कौन हो? और गांव के सभी लोग मुझे देखकर घरों के अंदर छिप गए और सारे जानवर डरकर भाग गए, पर तुम नहीं गई। क्यों, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो इस गांव की रानी हूँ। ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं। मैं जिसके भी पास जाती हूँ मुझे ये खाना दे देते हैं। नहीं, ये इंसान लोग बहुत बुरे होते हैं। देखो मुझे देखकर कैसे ये घरों के अंदर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि कोई जानवर गांव में आया है तो जरूर भूखा होगा, उसे कुछ खाने को दे दे। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये सब इंसान तो बहुत अच्छे हैं। जब ये मुझे खाने को दे सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? क्योंकि इन इंसानों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा खाना खाता हूँ, शायद इसीलिए भाग गए। बकरी ने सोचा कि मुझे इस बेचारे हाथी की मदद करनी चाहिए। फिर बकरी जोर जोर से चिल्लाती है, सुनो 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 गांव वालों, ये कोई मामूली हाथी नहीं है। इसे श्री गणेश भगवान ने खुद भेजा है और जो इस हाथी को रोज भोजन कराएगा श्री गणेश भगवान उसके घर में स्वयं दर्शन देने आएंगे। अरे नहीं नहीं बकरी, तुम इन लोगों से झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो तुमसे ऐसे ही कुछ भी कह दिया था। अरे चुप रहो और सब देखो तुम्हारे लिए कैसे भोजन लाते हैं, खाओ और मजे लो। तभी थोड़ी देर के बाद गांव वाले एक एक करके हाथी के लिए भोजन लाने लगे। कोई हाथी के लिए गन्ना लाया, कोई केले, कोई आलू। सभी रोज उस हाथी को बड़े ही प्यार से भोजन कराने लगे। तो हाथी भाई कैसी सेवा हो रही है आपकी? सब तो तुम्हें खूब खाना खिलाते हैं, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ भाई, मान गए बकरी तुम्हें। ये बताओ तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ हाँ अभी जाती हूँ, मैं जिसके भी घर जाऊंगी वो भोजन करवा देगा, तुम मेरी चिंता मत करो। बकरी बहुत खुशी खुशी खाना खाने गांव वालों के घर जाती है। उसे कोई खाना नहीं देता और सब अपने घर से भगा देते हैं। बकरी बहुत उदास हो जाती है। गांव वाले खाना भर भर के हाथी को ही दिए जा रहे थे। बस एक बहुत बड़ी अम्मा आती है और बकरी को खाना खिलाती है। बड़ी अम्मा, तुम मुझे खाना दे रही हो, क्या तुम हाथी को भोजन नहीं दोगी? अरे बेटा, मैंने हाथी को भी भोजन कराया और तुम्हें भी करवाऊंगी। हाथी तो अभी आया है गांव में, पर तुम तो कितने सालों से इस गांव में रह रही हो। हाथी भाई देखा, ये इंसान लोग अंधविश्वासी हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हें भोजन करा के गणेश जी उन्हें दर्शन देंगे, ये इंसान मतलबी है। खैर चलो, अम्मा को मेरी याद तो आई और मेरा पेट भर गया, चलो घूमने चलते हैं। बातूनी खरगोश और ऊदबिलाव। एक जंगल में घने पेड़ों के बीचों बीच काफी सारे खरगोश रहते थे। वे सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। एक खरगोश ने कहा, अरे चलो 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 उस खेत में जाकर गाजर खाते हैं। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, सब मिलकर चलते हैं। लेकिन वहीं एक पेड़ के कोटर में एक बातूनी खरगोश भी रहता था। एक दिन बातूनी खरगोश ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेत में गाजर खाने जा रहे हैं। तुम लोग तो बेवकूफ हो, भला गाजरे खाने भी कोई खेत में जाता है? भाई मैं तो ऑनलाइन ही घर पर ही गाजरे मंगवा लिया करता हूँ, वो भी सीधा खेत से। सभी खरगोश उसकी इस बात पर मन ही मन हंसने लगते हैं कि भला जंगल में ऑनलाइन गाजर भला कैसे आ सकती है। सभी खरगोशों को हंसता देखकर पास के तालाब में रहने वाला ऊदबिलाव बोलने लगा, अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? खरगोश ने ऊदबिलाव को सारी बात बताई तो ऊदबिलाव ने उस खरगोश को सबक सिखाने की ठान ली और उसने खरगोश के पास आकर कहा कि वो पास के तालाब में बत्तख पकड़ने के लिए जा रहा है। यह बात सुनकर खरगोश ने कहा,
क्या कहा, बत्तख पकड़ने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तो चुटकियों में बत्तख को पकड़ लेता हूँ। उसकी बात सुनकर उद्बिलाव मन ही मन हंसने लगा और उसे लेकर तालाब के पास चला गया। तालाब के पास जाते ही उद्बिलाव पानी में डूबकर बत्तख के पास आने का इंतजार करने लगा। उसे देखकर खरगोश ने भी पास पड़े एक बांस को उठाया और उसे अपने नाक से बांध लिया, पानी के अंदर छुप गया। उसकी हरकत देखकर उद्बिलाव हंसने लगा। तभी वहाँ कुछ बत्तखें आईं और खरगोश वाले बांस को उठाकर उड़ने लगीं। नाक से बंधा होने के कारण खरगोश भी बांस के साथ पानी से बाहर आ गया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ, क्या हुआ? बत्तखें खरगोश को लेकर तालाब से बाहर आ गईं। पक 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 पक, बड़ा आया था हमें पकड़ने वाला, चलो इसे हवा से जमीन पर फेंक दो। बत्तखों ने खरगोश को ऊंचाई से जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही खरगोश को काफी चोटें आईं। हाय राम, मैं तो मर गया। यह सब देखकर उद्बिलाव पानी से बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। क्यों खरगोश मिया, तुम क्या ऐसे ही बत्तखें पकड़ते हो? मेरी तौबा, मेरे पाप की तौबा, मैं आज से कभी बत्तखें नहीं पकड़ूंगा और ना ही कभी इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकूंगा। अब खरगोश को उसके बातूनीपन का सबक जो मिल चुका था। सफेद घोड़ा। एक गांव में राजू नाम का एक लड़का था। उसके पास एक बहुत सुंदर सफेद रंग का घोड़ा था। उसका नाम था भोला। राजू ने उसका नाम भोला इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि वो बहुत सीधा था। राजू अपने घोड़े से बहुत प्यार किया करता था। अपने घोड़े पर सवार होकर वो अलग अलग गांव शहर में व्यापार करने जाया करता था। भोला, कल मुझे शहर जाना है, मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर जा सकता, शहर बहुत दूर है, तुम थक जाओगे, मैं रात तक आ जाऊंगा, समझे? तुम्हारा खाना मैं रख कर जाऊंगा और पड़ोस में कह दूंगा कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए खोल दें, खाना जरूर खा लेना। भोला राजू की सारी बात समझ जाता है और उदास होकर अपना सर हिलाता है। सुबह होते ही राजू चला जाता है। भोला खाना खा लेता है। वो सारा दिन उदास बैठा रहता है और सारा दिन राजू का इंतजार करता रहता है। काफी रात हो जाती है। राजू भैया कब आएंगे? मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है, उनके बिना पूरा घर खाने को दौड़ता है। अगर राजू लौट कर नहीं आया तो मेरा क्या होगा? राजू नहीं आता। परेशान होकर भोला राजू को खोजने के लिए चला जाता है और वो रास्ता भूलकर जंगल में पहुंच जाता है। सुबह जंगल के सारे जानवर उस सफेद घोड़े को देखकर दंग रह जाते हैं। इतना सुंदर घोड़ा यहाँ कैसे आया? जरूर ये किसी का पालतू है। तुम कितने सफेद हो, पर इतने घने जंगल में सबसे सुंदर तुम ही हो। पर तुम यहाँ आ कैसे सकते हो? तुम यहाँ नहीं रह सकते, जानते हो? मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। ये झूठ बोल रहा है, मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हिरन ने घोड़े को बहुत तंग किया और उसे मारने की भी कोशिश की। हिरन ने उसे बहुत भगाया और भगाते भगाते अचानक घोड़े को रास्ता दिखाई दे जाता है और वो हिरन से बचकर अपने गांव वापस लौट जाता है और अपने मालिक के घर पहुंचकर ही ठंडी सांस लेता है और सोचता है, बस अब राजू नजर आ जाए, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। घोड़ा जैसे ही घर के पास जाता है तो वो देखता है कि राजू बहुत परेशान है। यह देखकर घोड़ा दौड़कर राजू के पास जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और खुशी खुशी फिर से रहने लगते हैं। महान संत। बोधिसत्व संत एक महान संत थे। वो जंगल में रहा करते थे। उनके विचार बहुत ज्यादा शुद्ध और पवित्र थे। दूसरों को सुख देना उनका परम धर्म था। वो कभी किसी को अपनी झोपड़ी से भूखा नहीं जाने देते थे। उनके विचार
और स्वभाव देखकर सभी उनकी आराधना किया करते थे। वो दूसरों की सेवा करने को ही जीवन का कर्म मानते थे। उनकी मृत्यु अचानक हो गई। उसके बाद उन्होंने मोर के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस जन्म में भी वे बहुत खुश थे। जब उन्होंने मोर का जन्म लिया, तब उन्हें एक दिन याद आया कि वो एक महान संत थे। मोर होते हुए भी वे मानव जाति की खूब सेवा करना चाहते थे। उनका मन अकेले कभी नहीं लगता था। वो हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते। जंगल के जानवर हों या फिर पशु पक्षी कोई भी, हर किसी की मदद करने में उन्हें परम आनंद मिलने लगा। एक दिन मोर के रूप में उन्होंने सोचा, कल तो बहुत बड़ा शुभ दिन है जब मेहमानों को भोजन खिलाना चाहिए। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मगर अब मैं एक जानवर की अवस्था में हूँ, आखिर कैसे भोजन पका सकता हूँ? उनके पास मेहमानों को भोजन खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने अपने शरीर को ही भोजन के रूप में दे देने का फैसला ले लिया। फिर एक दिन देवी माँ दासी के रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुंची। मैं बहुत भूखी हूँ साधु महाराज, सफर करके बहुत थक चुकी हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? देवी दासी के रूप में थी, मगर मोर समझ गया था कि उसका परम कर्तव्य क्या है, भूखे को खाना खिलाना। मोर ने आओ देखा ना ताओ और सीधा आग में कूद पड़ा। अपनी जान देकर उन्होंने भोजन का प्रबंध किया। तुरंत देवी माँ अपने असली रूप में लौट आई और उन्होंने मोर की जान बचा ली और कहा, बोधिसत्व, सच में तुम एक पवित्र आत्मा हो। आज के बाद तुम ये जन्म मरण के चक्रव्यूह से आजाद हो जाओगे, अमर हो जाओगे। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भाव से बहुत खुश हूँ। हर इंसान को तुमसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है।